नमस्कार, मैं हूं नवीन आनंद जोशी। आप देख रहे हैं न्यूज आज। दतिया में सिंधी समुदाय की आस्था के पर्व ज्योति स्नान महोत्सव पर धूमधाम से चल समारोह निकाला गया। सिंधी समाज के लोगों ने दिव्य ज्योति की पूजा अर्चना कर एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। संत हजारी राम सिंधी मंदिर में करीब 233 साल से अखंड ज्योति प्रज्वलित है, जो सिंधी समुदाय के साथ साथ दूसरे जाति धर्मों के लिए भी आस्था का केंद्र है। फूलों से सजी पवित्र अखंड ज्योति को रथ में रखकर चल समारोह निकलता है और फिर करण सागर तालाब में स्नान के बाद अखंड ज्योति वापस संत हजारी राम मंदिर पहुंचती है। रंग बिरंगी पोशाकों में सजे और सिर पर पगड़ी पहने हजारों श्रद्धालु ढोल नगाड़ों बैंड बाजों की धुन पर थिरकते नजर आते हैं। चल समारोह में महाराष्ट्र, मुंबई, हरियाणा, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, रायपुर, छत्तीसगढ़, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों के श्रद्धालु शामिल होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सिंध प्रांत के सक्खर जिले में संत वसन नारा के आश्रम में संत हजारी राम थे। संत हजारी राम के शरीर में घाव होने पर भी उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं की और कार्य करते रहे। एक दिन संत हजारी राम नदी में उतर गए और 9 दिन बाद सिंध नदी की धारा से सूखे वस्त्रों में दिव्य अखंड ज्योति के साथ प्रकट हुए। ज्योति लगभग प्रज्वलित है। 1948 में हमारे पूर्वज लोग यहाँ से सिंध पाकिस्तान गढ़े से यहाँ पे लेके आए थे। 1948 से हमारे ज्योति का जो मंदिर था वो भंगर में आसपास था। सन 1962 में यहाँ स्थापना हुई, तब से लेकर लगभग 233 वर्षों से ये ज्योति अखंड ज्योति जली रही है। बहुत अच्छा ये स्थल है ज्योति स्नान ज्योतियों का जो यह दरबार है, ये बहुत ही शक्तिशाली दरबार है। यहाँ लोगों को आके अपनी मन्नतें पूरे करने का एक अवसर मिलता है और मन्नतें पूरी होती है। दतिया से राजेंद्र पटवा की न्यूज़। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ आज।